हाय एवरीवन, वेलकम है आपका समद किचन में। क्यों ना आज कुछ मीठा हो जाए। तो आज हम बनाते हैं समद किचन में मखाने की खीर बहुत ही आसान तरीके से। तो आप जल्दी से करिए वीडियो को लाइक और शेयर और प्लीज़ करिए समद किचन को सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक कटोरा मखाना और इसको हम देसी घी में तल लेते हैं। तो यहाँ पे पैन रखा, पैन में एक चम्मच मैंने देसी घी डाल दिया। घी को गर्म हो जाने देते हैं और अब डालते हैं उसमें मखाने। मखाने डाल के इनको चला चला के तल लेंगे और इनको थोड़ा क्रिस्प होने तक भूनेंगे। ये तल गए हैं, इनको एक प्लेट में डाल के हम ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे ना कई बार मखानों में ये इस तरह के इसके ये छिलके रह जाते हैं, तो इनको निकाल देंगे। अगर इनकेस हैं आपके तो देख लीजिएगा, यहाँ पे हैं तो मैं निकाल देती हूँ इनको। और इसको फिर हम ठंडा होने का इंतजार करते हैं और मिक्सी में डाल के इसको पीस लेते हैं। मखाने को हमने थोड़ा दरदरा पीसा है, बहुत महीन नहीं करना है हमको। अब चलिए बनाते हैं अपनी खीर। मैंने ये आधा लीटर दूध डाल देती हूँ मैं और इसको भी हाई फ्लेम पे रखेंगे, हाई हीट पे, और इसमें बॉयल आने देते हैं। मैंने यहाँ पे फुल क्रीम दूध लिया है और आप चाहें तो अपनी चॉइस का ले सकते हैं, टोंड भी ले सकते हैं, पर फुल क्रीम से खीर ज़्यादा अच्छी बनती है, क्रीमी बनती है। और इसके साथ साथ जब तक दूध उबलेगा हम इसमें ये डाल देंगे, एक चुटकी केसर है ये, या 1/4 टीस्पून इसको डाल देंगे। इसके साथ ये जब बॉयल होगा तो इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। शुरू हो गया है, इसमें बॉयल आ गया तो इसको चलाते रहें इसलिए। और इसकी अब हम हीट को भी कम कर लेते हैं, मीडियम कर लेते हैं, क्योंकि दूध उबल चुका है। और देखिए आप कलर भी चेंज हो गया है, कितना अच्छा सैफरन कलर। और अब हम दूध को गाढ़ा हो जाने देते हैं, तो 5 मिनट तक इसको ऐसे ही चला चला के पका लेंगे, थोड़ा सा दूध और गाढ़ा हो जाए। अब ये देखिए हम इसमें डालेंगे मखाने, लेकिन इसके साथ साथ इसको चलाते रहेंगे। ये मखाने हमने बहुत अच्छी तरह से नहीं पीसे थे, इसलिए ये थोड़े इसमें बचे भी रह गए हैं, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट देगा और पता भी चलेगा हमको ये किस चीज़ की खीर है। अब इसको भी इसके साथ साथ उबालेंगे थोड़ी देर। इसको 5 मिनट तक ऐसे ही चला चला के धीमी आंच पे इसको पकाएंगे, दूध को और गाढ़ा होने देंगे मखानों के साथ। ये देखिए इसमें अब हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, ये हैं बादाम, किशमिश, चिरौंजी और ये कटे हुए काजू। तो आप अपनी चॉइस के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, और जो नहीं पसंद है वो हटा भी सकते हैं, पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से ड्राई फ्रूट्स डालने। और इसको हम ऐसे ही धीमी आंच पे पकाते रहेंगे और चलाते रहेंगे, जिससे कि दूध साइड में ना लगे और ये इवनली पकता रहे। धीरे पकेगी तब इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें, तो इसको हम थोड़ी देर और गाढ़ा होने देते हैं। धीमी आंच पे पकते हुए इसको अब 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए खीर गाढ़ी भी हो चली है और ड्राई फ्रूट्स भी इसमें गल गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे शुगर। तो शुगर मैं ये एक कटोरी है तो मैं अभी आधी डाल रही हूँ और कम डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल लीजिए कितनी डालनी है, नहीं तो आप एक कटोरी भी डाल सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसको डाल देंगे इसमें इलायची पाउडर, आधा चम्मच छोटी इलायची पाउडर, छोटा चम्मच मतलब आप समझ लीजिए 5-6 इलायची लेके उसको पीस लीजिए और उसका जो है तो पाउडर बना के फिर इसमें डाल दीजिए, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। तो अब इसको हम फिर से धीमी आंच पे पकने देते हैं और अब चलाना बिल्कुल नहीं बंद करना इस स्टेज पे, क्योंकि जब हम शुगर डाल देते हैं फिर उसके बाद ये नीचे लगने लगती है और जलने की महक आ जाएगी अगर हमने छोड़ दिया चलाना, तो इसलिए चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है और इसकी आँच धीमी ही रखना है, जिसमें जाके इसकी शुगर अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और ये थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी मेनटेन हो जाए। और ये अब खुशबू भी आने लगी है इसकी इलायची पाउडर की, और इसको धीमी आंच पे हम ऐसे चला चला के 5 मिनट तक और पकाएंगे। खीर अब ठीक हो गई है और कितना अच्छा इसका कलर आया है। और ये जो इसमें हमने मखाने आधे कुटे और पूरी तरह से नहीं पीसे थे, इसमें मखाने भी दिख रहे हैं जो कि खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट करेंगे। ये देखिए अब हम इसको सर्व करते हैं और ये डाल दिया मैंने छोटी कटोरियों में। और तो ये खीर अभी ठंडी होने के बाद और थिक होगी और इसको अब हम
डाल देते हैं। ऊपर से कटे पतले बादाम, जिनको कि हम बादाम की हवाइयाँ भी कहते हैं, इससे ये बहुत ही खूबसूरत और टेम्पटिंग लगने लगेगा। देख तो ये रेडी है हमारी मखाने की खीर, और जिसको कि आप गर्मा गर्म भी इंजॉय कर सकते हैं या फिर आप फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दीजिए 2 से 3 घंटे के लिए, फिर इंजॉय करिए। बढ़िया डिज़र्ट है। इंडियंस का खाना ही नहीं कंप्लीट होता जब तक कि हम कुछ डिज़र्ट या कुछ स्वीट डिश ना खाएं, भाई कुछ मीठा हो जाए। तो उस मीठा हो जाए के लिए हमारी ये मखाने की खीर बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और करिए समद किचन को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।